कमलनाथ का आदिवासी समीकरण, सियासत का अखाड़ा गोंडवाना लैंड, महाकौशल पर महारणनीति, बीजेपी से मुकाबले की तैयारी। भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए। बड़ी बात यह है कि सभी को कमलनाथ ने खुद सदस्यता दिलाई। कांग्रेस में आए नेताओं ने दावा किया कि आदिवासियों के लिए जो काम कांग्रेस ने किया है वो शिवराज सरकार 17 सालों में भी नहीं कर सकी। कमलनाथ ने भी नए सदस्यों से कहा कि वो जिस विश्वास के साथ कांग्रेस से जुड़े हैं वो भरोसा आगे भी बरकरार रहेगा। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आप केवल कांग्रेस से ही आप नहीं जुड़े, आप सच्चाई से जुड़े, आप सच्चाई से जुड़े, और यही सच्चाई है जो हमारा भविष्य सुरक्षित कर सकती है। यही सच्चाई हमारा भविष्य सुरक्षित रखेगी। माताएं बहनें आई हुई है, बच्चों को इतने प्यार से पाला पोसा है, पर बच्चा भटक रहा है। उधर बीजेपी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है, जरा उसे भी सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ कमलनाथ जी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, जिस पोस्ट पर हैं उसी पोस्ट पर आगे भी बने रहें 2023 के बाद। ऐसे कोई ज्वाइन कराने से, तोड़फोड़ करने से, जुगाड़ तुगाड़ करने से, बासड़बाजी करने से, बयानबाजी करने से मूल रूप से मध्य प्रदेश की जनता जान चुकी है कि आपकी 15 महीने की सरकार में क्या दशा कर दी थी। इसलिए एक्चुअली मूल परीक्षा कहाँ होती है, मूल परीक्षा जनता की अदालत में होती है। मध्य प्रदेश में आदिवासी समीकरण पर कांग्रेस ही नहीं बीजेपी की भी नज़र है। अभी हाल ही में भोपाल के जम्बूरी मैदान में पीएम मोदी जनजाति गौरव दिवस पर आए थे। वहीं हबीबगंज स्टेशन का नाम गोंड रानी कमलापति के नाम पर रखा गया। उसके बाद इंदौर में शहीद दिवस पर आदिवासी जननायक टंट्या मामा को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। अब जब बीजेपी ये सब कर रही है तो फिर कांग्रेस कैसे चुप बैठ सकती है। दरअसल आदिवासी सीटों का समीकरण कुछ ऐसा है, कुल 47 आरक्षित सीटें हैं जिसमें 2018 में कांग्रेस को 30 और बीजेपी को 16 सीटें मिली थी, एक सीट अन्य के खाते में थी। इससे पहले 2003 में बीजेपी के पास 31 सीटें थी। जाहिर है आदिवासी सत्ता में कुर्सी तय करते रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुल 23% आदिवासी हैं, जिनमें करीब 7% गोंड है। महाकौशल और विंध्य इलाके में गोंड आदिवासी बड़ा फैक्टर है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से लोग कांग्रेस में आ रहे हैं तो ये कांग्रेस के लिए फायदे की बात है। इससे ये मैसेज जाएगा कि बड़े नेता के रूप में कमलनाथ की धाक अभी भी समुदाय के बीच है। नमस्कार, मैं हूं चरण द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है मिशन गोंडवाना। तो अब मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अब ट्राइबल बड़ा इम्पॉर्टेंट एक ऐसा कंपोनेंट है जिस पर सबकी निगाह है और वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और ये हमको पता चला जब हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए मध्य प्रदेश, और जिस तरह से ट्राइबल और ख़ास तौर से गोंड आदिवासियों के लिए चाहे रानी कमलापति जिनके जिनका भोपाल से और आसपास जो उनकी स्मृतियां और उनके चिन्ह हैं और उन्हीं के नाम पर भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हुआ, तो निश्चित तौर पर गोंड वोट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और एक समय मध्य प्रदेश की राजनीति में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने ख़ासतौर से महाकौशल अंचल में, आप बात करें जबलपुर से आगे निकले हम, मंडला डिंडौरी और उसके आसपास का क्षेत्र और कुछ हिस्सा विंध्य का भी माना जाता है जो इन मतदाताओं के प्रभाव का क्षेत्र माना जाता है। और दूसरी तरफ कमलनाथ जी की भी तैयारी है क्योंकि कांग्रेस ये मानती है कि ट्राइबल उसका एक ट्रेडिशनल वोट समूह है और वो उससे छिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए। और कमलनाथ महाकौशल की राजनीति के बहुत ही पुराने जानकार हैं, 4 दशकों से अधिक का उनका अपना अनुभव है। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और क्या आगे का भविष्य दिखता है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। संदीप पौराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक। रविंद्र सिंह तोमर जी हैं, विधायक हैं, कांग्रेस के युवा विधायक हैं और पहली बार के विधायक हैं। और सबसे अच्छी बात है कि पहली बार का विधायक जितना सतर्क और सजग रहता है वो उससे भी अधिक सजग और सतर्क हैं, तो उनको शुभकामनाएं। चिंतामन मालवीय साहब हैं जो प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और प्रवक्ता का दायित्व भी निभाते हैं, उनका भी बहुत स्वागत मैं करता हूँ।
संदीप जी, पहली टिप्पणी आपकी, किस तरह देखते हैं आप जिस तरह से ये कोशिशें चल रही हैं और किस तरह से आगे जाते हुए आप ये ट्राइबल राजनीति को देखते हैं? शरद जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में हम देखते हैं तो आदिवासी वोट बैंक का बड़ा महत्व है। हम 93 से देखें तो आज तक की स्थितियाँ देखते हैं, जहाँ भी आदिवासी वोट बैंक गया है सत्ता उसके हाथ में आई है। चाहे 93 का चुनाव देखें तो बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी, 2003 में हम जाते हैं तो कांग्रेस कमजोर हो गई थी, 8 में भी कमजोर हुई, 13 में भी कमजोर हुई, लिहाजा बीजेपी सत्ता में आई और 2018 में कांग्रेस ने आदिवासी क्षेत्र में बढ़त ली, सत्ता इनको मिल गई। तो कुल मिलाकर के जब मध्य प्रदेश की राजनीति में लगता है कि आदिवासी बड़ा वोट बैंक है और 47 सीटें की हैं, और वैसे तो ये 84 सीटें प्रभावित करते हैं आदिवासी वोट बैंक, तो स्वाभाविक सी बात है कोई भी राजनीतिक दल हो उस पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करेगा। जहाँ तक आपने कमलनाथ जी की बात कही तो शरद जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में सामान्य वर्ग का संभवतः कमलनाथ इकलौते ऐसे नेता हैं जिनकी सबसे ज्यादा आदिवासी वोट बैंक में घुसपैठ है, या यूं कहें प्रभाव है उनका। आदिवासी नेताओं का भी उतना प्रभाव नहीं है, यही कारण है कि अब कमलनाथ ने अपना पूरा ध्यान आदिवासी वोट बैंक की तरफ बढ़ाया है और उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आदिवासी वोट बैंक को अपने पास रखा या उसको रिझाने में सफल हुए तो हो सकता है कि आने वाले 2023 के चुनाव में उनकी राह थोड़ी सी आसान हो जाए, उसी दिशा में वो बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तोमर साहब, आप क्या जोड़ेंगे इसमें? जी शरद जी, मेरा तो कहना है बाबा साहब बोधिसत्व भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसी कांग्रेस पार्टी के झंडे के में रह करके, और जब हिंदुस्तान में 1952 में पहला चुनाव हुआ उस सरकार में वो कानून मंत्री बने, उससे पहले जब देश आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में जो संविधान लागू हुआ वो बाबा साहब अम्बेडकर जिसके प्रमुख थे, 12 सदस्यीय टीम थी, बाबा साहब अम्बेडकर का जो बनाया हुआ संविधान पूरा विश्व मानता है, और उस संविधान में उन्होंने गरीबों को, शोषितों को, दलितों को, आदिवासियों को जो स्थान दिया वो ये इन सबसे अछूता नहीं है। आदिवासी भी उस बात को समझते हैं, दलित भी समझते हैं, पिछड़े भी समझते हैं, सामान्य भी समझते हैं। मैं समझता हूं कि उसी संविधान का प्रभाव है जो बाबा साहब बोधिसत्व भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया। कांग्रेस पार्टी उस समय सत्ता में थी और वो उसमें कानून मंत्री भी रहे, तो उसका प्रभाव आज तक देखने को ये मिल रहा है कि उनको जो अधिकार मिले, उनको नौकरियां मिली, उनको आरक्षण मिला, ये सारी देन कांग्रेस पार्टी की है। और वो ये जानते हैं, आदिवासी वर्ग पूरा इस बात को जानता है, दलित वर्ग पूरा इस बात को जानता है कि हमारा कहीं हक अधिकार सुरक्षित है तो वो कांग्रेस पार्टी में सुरक्षित है, इसलिए वो कहीं भटकने की स्थिति में नहीं है। और वो देख चुके भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में लगभग 20 साल हो जाएंगे सरकार को, और इन 20 सालों में उन्हें ना तो आदिवासियों की याद आई, ना दलितों की याद आई, ना गरीबों की, ना शोषितों की, ना पीड़ितों की जी। और आज जब उनको लग रहा है कि ये वोट बैंक खिसक रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ये याद कर रही है आदिवासियों को, दलितों को, तो ये बात सब समझ रहे हैं लोग। चलिए एक नज़र चलते हैं भोपाल में जो ये कार्यक्रम हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री संबोधित करने वाले हैं, मैं टीम से अपडेट ले लेता हूँ जी। चलिए तो अभी उसमें कुछ समय है, फिर हम चलेंगे उस कार्यक्रम की तरफ भी। चिंतामन मालवीय साहब, आपने सुनी बात जो आपके साथी ने कही रविंद्र सिंह जी ने, और जो बात इसके पहले संदीप पौराणिक जी ने भी कही, और जो हमारा आज का विषय भी है कि किस तरह से आदिवासी मतदाता को, जो कि कांग्रेस का दावा है कि उसका पारंपरिक वोटर परंपरा से है, आप किस तरह से देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति आगे बढ़ने की इस मसले पर किस तरह से? ये सबसे पहले तो मैं रविंद्र सिंह तोमर जी को बता दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर को स्वयं कांग्रेस में चुनाव हरवाया था मुंबई से, उसके बाद वो उपचुनाव लड़े भंडारा से तो वो भी चुनाव हरवाने का काम किया था, इसलिए कांग्रेस को बाबा साहब से नहीं जोड़े कृपा करके। दूसरी बात यह है कि दलितों को, मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के लोगों को हमेशा कांग्रेस ने धोखा दिया है। आप देखिए कि दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री बनने के समय समकालीन शिवानु सिंह का नाम था लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया, और पहले बताया गया कि नहीं आदिवासी मुख्यमंत्री होगा लेकिन नाम निकला दिग्विजय सिंह का। तो धोखा पुराना है, परंपरागत है, और आप देखिए कि कांग्रेस के पास कोई लीडरशिप नहीं है। आप ये ऐसे करने से, कुछ लोगों को इधर उधर से लाने से कोई कांग्रेस मजबूत नहीं हो जाती, क्योंकि कांग्रेस का कोई धरातल बचा नहीं है अनुसूचित जनजाति में भी।
ये प्रयास चाहे करें। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि इनके पास अनुसूचित जनजाति के नेता भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास देखेंगे तो एक सूरज श्रृंखला है, ओम प्रकाश दुर्वे है, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, अभी दो तो राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह और संपतिया उइके और अनुसुईया उइके को राज्यपाल बनाया है। हर्ष चौहान को हम देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति आयोग का राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष बनाया है। तो एक लंबी श्रृंखला नेताओं की भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो ये भ्रम है कांग्रेस। और दूसरा ये भी आप देखें कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित जितनी सीटें हैं वो सारी भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। मैं लोकसभा के चुनाव की बात कर रहा हूँ, ठीक है विधानसभाओं में कुछ ये जीते हैं इसलिए ठीक है वो अपना प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस से अनुसूचित जनजाति के लोग प्रभावित होंगे। चलिए आप अपनी जल्दी से टिप्पणी। मेरा निवेदन ये है, जो बीजेपी प्रवक्ता जी ने अभी बात करी कि बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस ने हरवाया, मैं पूछ रहा हूँ कि बाबा साहब बौद्धशत भीमराव अम्बेडकर साहब के अनुयायी इस देश में इस बात को सहृदय स्वीकार करते हैं कि हमें जो कुछ भी मिला वो कांग्रेस पार्टी से मिला। हमें आरक्षण मिला तो कांग्रेस पार्टी से मिला, नौकरियों में आरक्षण मिला तो कांग्रेस पार्टी से मिला, सारा कुछ श्रेय कांग्रेस पार्टी को वो देते हैं और आप कह रहे हैं कि बाबा साहब को हरवाया। ये मिथ्या और असत्य बातों का कोई स्थान नहीं। मैं एक और निवेदन, एक और छोटा सा शरद जी मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस देश का की आज़ादी में 7.5 लाख से भी ज्यादा नौजवानों ने जब अपना प्राण दे दिए इसी कांग्रेस के झंडे को लेकर के, तब भारत में आज़ाद हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, एक भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारतीय जनता पार्टी के पास है क्या? कोई एक इनके पास कोई उदाहरण है कि आज़ादी आंदोलन में इन्हें लड़ाई लड़ी, भारत को आज़ाद कराने में इनका कौन सा योगदान है, जरा सा बताएं मुझे। और केवल कह देने से नहीं होता है कि हमारे पास ये सब क्या है कि ये प्रजातंत्र में बहुत ज़्यादा अभिमान नहीं पालना चाहिए। ये प्रजातंत्र है, जनता सब देख रही है, सब सुन रही है और समझ रही है। अगर कहीं अवसर आपको मिला है तो उस अवसर का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग करने का दुस्साहस मत करिए, नहीं तो वो आगे आपको सबक सीखना पड़ेगा, आगे आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। चूंकि बात आदिवासियों की है और इस समय मध्य प्रदेश की राजधानी में भी एक ऐसा आयोजन है जो वन्य संपदा से जुड़ा हुआ है, तो एक नज़र ज़रूर डाल लेते हैं। वन मंत्री इस समय शाह साहब कुछ बोल रहे हैं, एक झलक सुन लेते हैं फिर बातचीत की तरफ लौटते हैं, डिबेट की तरफ। और जो घटना करने वाले लोग हैं उनको भी अच्छा नाम है, इसको लेकर के सारा आयोजन किया गया है। इसलिए एक वर्ष पहले का आयोजन कोविड के कारण नहीं हुआ था, लेकिन मेले हमारे सांस्कृतिक धरोहर है और इसके माध्यम से यहाँ छोटे से छोटा गरीब से गरीब व्यक्ति भी आकर के हमारे उन नारी वृद्धों से इलाज करा सकता है, आयुर्वेद को समझ सकता है। तो चलिए अभी हम सुनेंगे, इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपनी बात रखेंगे। मैं सीधे संदीप जी की तरफ आता हूं। संदीप जी मुझे ये बताइए कि गोंडवाना का ये जो इलाका है जिसमें कुछ एरिया विंध्य का भी और महाकौशल का एक बड़ा क्षेत्र, तो किस तरह से आप यहाँ जो जोर आजमाइश की कोशिशें देखते हैं? आदिवासी मतदाता निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में सत्ता निर्माण में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये जो 47 सीटें हैं, ये सीटें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका सत्ता बनाने में निभाती हैं। ऐसे में महाकौशल भी एक महत्वपूर्ण है और वहाँ से कमलनाथ जी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगती है, लेकिन शिवराज जी भी एक ऐसे नेता हैं जो समाज के वंचित वर्ग विशेषकर दलित और आदिवासियों के बीच में एक बड़े लोकप्रिय नेता के तौर पर वो न सिर्फ देखे जाते हैं बल्कि उनकी पैठ भी बड़ी गहरी है। तो किस तरह से काफ़ी टक्कर काफ़ी दिलचस्प होगी? शरद जी, महाकौशल इलाका ठीक बात है कि गोंड वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन पर्याप्त है और कमलनाथ का प्रभाव भी है, लेकिन हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि वहाँ संघ भी जमीनी स्तर पर बहुत काम कर रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने, संघ लगातार काम कर रहा है। अगर बीजेपी की वहाँ जड़ें मजबूत हुई हैं महाकौशल में आदिवासियों के बीच, तो उसका बड़ा कारण संघ है जो लगातार अपने अलग अलग अनुषांगिक संगठनों के जरिए आदिवासियों के बीच काम कर रहे हैं। और एक चीज़ और है कि कमलनाथ की पहचान भी रही है कि आप देखिए तो पहले भी आदिवासी जो नेता रहे हैं उनसे इनके सतत संपर्क रहे हैं, और कमलनाथ का
रुझान और आदिवासियों का रुझान एक दूसरे के प्रति खूब रहा है। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो एक तरफ संघ जमीन तैयार कर रहा है बीजेपी की और दूसरी तरफ कांग्रेस की कमान पूरी तरह कमलनाथ के हाथ में है। मुकाबला बड़ा करीब का और रोचक तो रहेगा भी आने वाले समय, मुझे लगता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और हम लौटते हैं बातचीत की तरफ, थोड़ा क्षमा चाहेंगे बीच में क्योंकि इसकी वजह से जो जिस तारतम्य में चर्चा हो रही थी थोड़ा सा उसमें कुछ, लेकिन हम फिर उस लय को पकड़ते हैं, उस रिदम को पकड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। मालवी साहब की तरफ मैं चलूँगा। मालवी साहब, अगर मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से ये सीधा प्रश्न करूँ, वक्त कम है मेरे पास, कि छत्तीसगढ़ भी आज का मुद्दा की तैयारी है, तो मैं संक्षेप में आपसे जवाब चाहूँगा कि अगर आदिवासी मतदाता पर बीजेपी का फोकस है और बीजेपी ये मानती है, दावा करती है कि आदिवासी उसकी तरफ एक बहुत मजबूत, बीजेपी को एक मजबूत विकल्प मानकर बीजेपी की तरफ देख रहा है, तो क्या कारण आप गिनाते हैं? जी देखिए देखिए, जो जो आदिवासियों में शिक्षा बढ़ी है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं। दूसरा, आदिवासियों का जो सेंटिमेंट है, अनुसूचित जनजाति में उन्हें कहूंगा, वो उनके साथ आज भारतीय जनता पार्टी जुड़ी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस उन्हें मिशनरियों की ओर ले जाती है, कांग्रेस उन्हें प्रकृति पूजन की ओर ले जाती है, कांग्रेस उन्हें जड़ों से काटने का काम कर रही है। और इसलिए अब जो पढ़ा लिखा तबका है अनुसूचित जनजाति का, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है और समझ रहा है कि उसका हित, उसका प्रगति, उसका विकास और उसके भविष्य की चिंता केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कांग्रेस उसे इसी अंधकार में रखेगी, इसी अशिक्षा में रखेगी, इसी जड़ता में रखेगी और इसलिए निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आने वाला है। जी तो अब तोमर साहब, बहुत कम वक्त है मेरे पास, संक्षेप में। जी मेरा निवेदन ये है शरद जी, मालवी जी का कहना है कि कांग्रेस जड़ें काट रही है, मैं बहुत बेबाक पूछना चाहता हूँ मालवी जी से कि क्या वो इस बात का जवाब है उनके पास कि 2003 से वो 2021 आ गया, 15 महीने का कार्यकाल केवल छोड़ दिया जाए आदरणीय कमलनाथ जी का, बाकी समय सत्ता में कौन है मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस जड़ें कहाँ से काटेगी? मैं प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब है कि भाई आपको 18 साल सत्ता में लगभग हो गए जी और आप कह रहे हैं कांग्रेस जड़ें काट रही है। मैंने कितना भ्रमित करोगे लोगों को, कितना झूठ का पुलंदा खोपड़ी पर रख के चलोगे, ये कितनी अशोभनीय बात है। दूसरी बात, आप 18 साल से सत्ता में बैठे हुए और आदरणीय कमलनाथ जी 15 महीने सत्ता संभाली, 9 अगस्त को आदिवासी दिवस घोषित किया, विश्व आदिवासी दिवस, और उसमें उन्होंने प्रत्येक आदिवासी ब्लॉक में पैसा भी उपलब्ध कराया वहाँ कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाली और वो आदिवासी दिवस जो 9 अगस्त को होता है उसकी छुट्टी भी कैंसिल की। और मैं बता दूं आपको, धारा 100 सुन तो लीजिए साहब, सुन तो लीजिए मालवी जी, आप बोल रहे थे मैं बिल्कुल चुप था, मेरी बात तो सुनिए आप, मैं सुनने का भी धैर्य रखिए, आप सुनने का भी साहस रखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि धारा 144 लगाई भारतीय जनता पार्टी ने और नरसिंहपुर जैसे जिलों में, मेरे पास तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ मैं, और आप कह रहे हो आदिवासियों की जड़ें कांग्रेस काट रही है। चलिए आप कितनी बहुत धन्यवाद तोमर साहब, बहुत मालवी साहब, आज का विषय यहीं तक, लेकिन ये विषय जनता से और ये तो विकास की बात, आगे और भी चर्चा में ये विषय निश्चित तौर पर रहेगा और ये तो मध्य प्रदेश की जनता ही बताएगी, खासतौर से अगर हम चाहे गोंडवाना बेल्ट की बात करें जो महाकौशल और विंध्य के एरियाज कुछ विधानसभा सीटों को छूता है, कि वो 2023 के चुनाव में किसके साथ खड़ा नज़र आता है। ज़्यादा वक्त नहीं है, अब आप ये तय मानिए कि लगभग 2 साल का समय है और ये जो 2022 है, चुनावी तैयारियां लगभग दोनों पार्टियों की और मजबूती के साथ शुरू होंगी। दोनों पार्टियों को बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद तोमर साहब, धन्यवाद संदीप जी और धन्यवाद चिंतामन मालवीय साहब। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, किसकी जीत किसकी हार। नमस्कार।